नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो आने वाली एग्ज़ाम है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, सहायक समीक्षा अधिकारी का, जिसको एआरओ इंग्लिश में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। तो 29 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा हो तो उसको भर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपके जो पेपर पैटर्न है उसकी तो भी हम चर्चा करेंगे ही, साथ में ये पेपर जो है ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो विशेषकर पेपर 2 के डिटेल्ड सिलेबस के लिए बनाया जा रहा है। और पेपर 2 का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। पेपर 1 का डिटेल सिलेबस मैंने पहले ही बना दिया है, आप आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, आप वेबसाइट पर जाकर इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी आपके काम आएगी। तो अगर हम यूपीपीसीएल या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं इस साल की, तो एक एग्ज़ाम रिटर्न होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 क्या होगा, 50 क्वेश्चन का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, और पेपर 2 में आपके कई चीज़ों के टेस्ट होंगे, वो भी हम नीचे विस्तार से देखेंगे। और दूसरा है टाइपिंग, जिसमें आपको 5 से 10 मिनट की टाइपिंग कराई जाएगी और आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, और जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट निकालने हैं। और अगर हम बात करते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है दोस्तों वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, और यहाँ पर 2 पार्ट्स में रिटर्न एग्ज़ाम होंगे और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल होंगे। इंग्लिश का जो पार्ट होगा इसमें वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा हर एग्ज़ाम की तरह। तो पार्ट 1 को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है एक वीडियो में। यहाँ टोटल 50 मार्क्स के पेपर होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, और ये सब जो होगा एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब 50 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, माइनस मार्किंग 1/4 होगी, और आपको इसमें कम से कम 20 नंबर स्कोर करने ही करने हैं, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। आप चाहे सब में मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्यों ना सही कर दें, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2। और आज हम पेपर 2 को ही देखने वाले हैं। तो पेपर 2 में देखिए आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे, जनरल स्टडीज़, लॉजिकल नॉलेज, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 12वीं तक के स्टैंडर्ड के 70 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के भी 12वीं तक के स्टैंडर्ड के 70 क्वेश्चन। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 1-1 नंबर के होंगे, और माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/4। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25 का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, यूपीपीसीएल एआरओ डिटेल एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर में आपका यहाँ पर सीधा सीधा नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। ओ लेवल ऑफ नीलेट जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको देखिए इस वीडियो में डिटेल्ड कंप्यूटर पेपर 1 कंप्यूटर साइंस सिलेबस में आपको पूरी नॉलेज दे दी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप जा करके वो देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी इसका लिंक है, डायरेक्ट वेबसाइट पे भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट बुक्स जो पेपर 2 के लिए हैं मैंने वो भी इस वीडियो में कवर कर रखा है, आप इसे भी जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिंक भी दे दिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स का, अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिलती हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बुक्स आपके कंप्यूटर साइंस के कोई भी 1-डे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आपकी तैयारी करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 के डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो देखिए पहला जो पार्ट था वो था जनरल स्टडीज़ का, तो जनरल स्टडीज़ में टोटल 20 क्वेश्चन थे, अगर आप ऊपर जा कर के देखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें थे, 40-40 क्वेश्चन सॉरी लॉजिकल नॉलेज में 40 क्वेश्चन और बाकी दोनों में 70-70 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन। देखिए आएंगे तो सिर्फ 20 क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जीके जीएस को छोड़ देंगे और एग्ज़ाम में तुक्का मार करके नंबर पा जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए आपको पढ़ना सब है, क्योंकि जानते हैं वैकेंसी बहुत ही कम है, 16 वैकेंसी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा हर चीज़, तभी आपके सफलता की जो चांसेस हैं
वो बढ़ते हैं। तो जनरल स्टडीज में हम लोग क्या जनरली देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ये जॉब है, तो उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, इंडिया साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो मतलब यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है करंट अफेयर्स, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स के यहाँ पर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगर हिस्ट्री का भी जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन है तो करंट से रिलेट करता ही हो सकता है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करंट से रिलेट करता ही हुआ हो सकता है। तो करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और पिछले 3 महीने के तो इतना अच्छे से, यानी अभी एग्जाम मान लीजिए 2-3 महीने से पहले नहीं होने वाला है, कम 5-6 महीने बाद भी हो सकता है, तो आप अभी से करंट अफेयर्स पर डे के जो है उसको कवर करना शुरू करिए। और उसमें अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक से रिलेटेड, जैसे कि अभी हमारी GDP 23% की गिरावट आ गई माइनस में, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट खबर्स हैं इनको आप डिटेल में देखिए, इनको नोट करते हुए चलिए, तो आपको ये चीज़ें कवर करना बहुत तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस पार्ट में सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड के सारे क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके लिए बहुत है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब क्वेश्चन आएंगे, तो हम अपने चैनल पर हर टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री है तो उसमें जैसे कि पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, बौद्ध धर्म वाला समय है, जैन धर्म वाला समय है, उसके आगे फिर एशियन इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में जो अंदर अंदर में टॉपिक है, सबके टॉपिक वाइज आपको टॉप 20 क्विजेस और या फिर आप MCQs कह सकते हैं वो आपको दिए जाएंगे। आप उनको देखते रहिएगा तो आपको क्या होगा कि उसमें से ही आपको नॉर्मल क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि वन डे क्वेश्चन जो एग्जाम्स होते हैं ऐसे उसमें ज़्यादातर वन लाइनर को ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप बस ऊपर ऊपर से अगर अपनी चीज़ों को एक बार दोहराए रहेंगे क्विज के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, तो आपको काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल करेगा और आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आप पूरा बैठ के कहानी नहीं पढ़ सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं है, आपको और भी चीज़ें कवर करनी है। तो मॉडर्न इंडिया ऑफ हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगला बात करते हैं 40 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इस पेपर को आप 15 दिन में भी आप इसमें 15 दिन की पढ़ाई करके भी कम से कम 35 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, पजल, मिक्स्ड सीरीज, कोडिंग एंड एज वेल एज डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपैरिजन, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शेड्यूल, टाइम, डेट, डे, ईयर, जैसे कि किस सन में इस तारीख को क्या दिन था, उसको निकालने का सब कुछ तरीका होता है। तो आप जो है इसको भी सब टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से सब टॉपिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कम से कम 35 नंबर इसमें आराम से आ जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 से 2 महीने देने की ज़रूरत है, आपका ये पेपर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरा रीजनिंग बेस्ड ही ये पेपर होगा, मतलब ये पार्ट होगा पेपर का। आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है 70 नंबर का हिंदी और 70 नंबर का इंग्लिश। तो अगर हम जनरल हिंदी की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका बहुत ही गिर जा रहा है यहाँ पर इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म तो भरेंगे लेकिन वो इसलिए पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। कोई ऐसे बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो UPPCL के ARO को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के उस पढ़ाई करेंगे और वो हिंदी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, और वो भी मतलब ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे तो वो उसको ऊपर ऊपर से ही पढ़ना चाहेंगे। तो उनका जाहिर सी बात है यहाँ पर 70 नंबर का वेटेज है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए इसको अच्छा समय देना पड़ेगा। अगर आप इसे अच्छा समय देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर वर्तनी की समान अशुद्धियाँ तथा दूसरे शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकतियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया व भावनात्मक संज्ञा बनाना, रचना, रचयिता। तो जो भी बेसिक क्वेश्चंस क्लास 12 तक के आते हैं, संधि विच्छेद वगैरह, आपका गद्यांश पद्यांश, यहाँ पर वो सब होगा। ठीक है, इसके लिए जनरल हिंदी की बुक आती है, मैंने सारे बुक्स के जो है लिंक आपको दे दूंगा मैं, जिससे आप देख करके प्रॉपर
आप उसे मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो वो सब मैं इसके लिए एक स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए बनाया था। कल परसों में वो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और वैसे इस वीडियो इस जो वेबसाइट पे मेरे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश को जो असेस करने के लिए आपकी इंग्लिश की समझ को, ये पेपर होगा यहाँ पर। और इसमें आपका इंक्लूड होगा बेसिक कम्प्रिहेंसन होगा, राइटिंग एबिलिटी जहाँ पर आपकी देखी जाएगी, और क्वेश्चंस जो होंगे वो एरर रिकॉग्निशन से लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज एंड एडियोमेटिक यूजेस ऑफ वर्ड्स, ये चीज़ें होंगी। और वोकैबुलरी के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है मैं, जिसमें मैं डेली एक वर्ड को डिस्कस करता हूँ और उससे रिलेटेड उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी डिस्कस करता हूँ। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्दी ही हम कंटिन्यू करेंगे और एक एक दिन में दो दो तीन तीन वर्ड देख करके जो हम छूट गया है उसको हम कवर करेंगे। तो आप वो वीडियो रोज देखा करिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं UPPCL, ये था पूरा डिटेल सिलेबस पार्ट 2 का, ठीक है। आप इसको देखना करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो फिर वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके इसका साफ साफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा टिक वगैरह कर दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट होता है UPPCL ARO में, जिसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाते हैं किसके लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए, और 30 मिनट दिए जाते हैं डिक्टेशन जो है कंप्यूटर पर लिखने के लिए, और एग्जाम लगभग 30 मिनट का होगा। और यहाँ पर आपकी जो फॉन्ट होंगे वो कुर्ती देव 101 और 106, मतलब दोनों में से कोई एक फॉन्ट टेस्ट किया जाएगा। तो आप जो है प्रैक्टिस इसी दोनों फॉन्ट्स पे करें, ठीक है। और ये आपका 80 वर्ड पर मिनट, ये शॉर्ट हैंड की टाइपिंग होती है, और ये 40 40 वर्ड मिनट यहाँ दिया है, लेकिन आपके नोटिफिकेशन में 30 वर्ड पर मिनट ही है। लेकिन आप 40 का टारगेट लेके चलेंगे तो वहाँ पर 30 कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ मेंटल प्रेशर भी होता है, साथ में आप जिस कीबोर्ड पर आपने हाथ सेट कर रखा है आपको वो कीबोर्ड नहीं मिलने वाला। तो अगर आप किसी दूसरे कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी बहुत घट जाती है, ठीक है। तो आपको 30 तो करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है 40 की, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दे दी गई हैं, आप यहाँ से जा करके डिटेल्ड रिव्यू नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन भी यहाँ से ऑनलाइन जाकर भर सकते हैं जब आप इसे ओपन करेंगे। और एडमिट कार्ड जब आएगा तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो मैंने बुक्स की बात की थी, इसमें देखिए अदर UPPCL 2020 इंपॉर्टेंट बुक्स में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगभग लगभग सारी बुक्स, चाहे वो पेपर 2 के लिए हो चाहे पेपर 1 की हो, सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपके काम का होगा। तो चैनल पर बने रहिए, आने वाले समय में UPPCL से रिलेटेड आपको और सारी ढेरों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे जो पेपर्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्विजेस का वीडियो है वो भी जल्दी आपको अवेलेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, वहाँ तक जय जय हिंद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, धन्यवाद।